इंडिया को लगे 30 टेस्ट मैच, न्यूजीलैंड को लगे 55, बांग्लादेश को लगे 60 टेस्ट मैच, अफगानिस्तान ने वो कमाल कर दिया है मात्र 3 टेस्ट मैचेस में। हैशटैग आकाशवाणी और एक नया कीर्तिमान बनाया है। और कीर्तिमान क्या है और वैसा क्या है जो भारत को 30 टेस्ट मैच लग गए, न्यूजीलैंड को 55 लग गए और बांग्लादेश को तो 60 लग गए। मैं बात कर रहा हूँ पहली 2 टेस्ट मैच की जीत की। इनफैक्ट भारत को तो पहली जीत भी बहुत लंबे समय के बाद मिली थी। आप श्रीलंका की बात करें, उनको भी समय लगा, सभी को समय लगता है शुरुआती जीत दर्ज करने में। पहला मैच इंडिया के खिलाफ वो ग्रीन टॉप पे था बेंगलुरु में, वहां जरूर मुकाबला हारे थे लेकिन आयरलैंड को हराया, वो मुकाबला देहरादून में था। और अब जो कमाल किया है ना वो एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग है। बांग्लादेश में जाके बांग्लादेश को हराना ये काम आसान नहीं है, ये काम अच्छी अच्छी टीमें नहीं कर पाती, लेकिन ये काम राशिद खान की अफगानिस्तान ने किया है। तो राशिद करामाती खान, इसमें तो बहुत तालियां बजती हैं बॉस, क्योंकि बांग्लादेश ने जो पिच बनाई थी उसको उन्होंने कहा हम एक भी फास्ट बॉलर नहीं खिलाएंगे, स्पिनर डोमिनेटेड गेम रखना चाहते थे एंड इट्स प्लेइंग विद फायर। क्योंकि अगर आपने अफगानिस्तान के सामने वो स्पिनर फ्रेंडली पिच दी तो फिर कैसे संभालेंगे आप नबी को, कैसे संभालेंगे आप राशिद खान को। और वही हुआ यहां पर। और पहली पारी में रहमत शाह का शतक। रहमत शाह क्या बैटिंग करता है खिलाड़ी, ये इस टीम का फ्यूचर है। इनका फर्स्ट क्लास करियर भी अच्छा है और टेस्ट मैचेस में भी जब खेलते हैं अच्छा खेलते नजर आते हैं और वनडे क्रिकेट भी जब खेलते हैं तो ऑर्गेनाइज बैट्समैन लगते हैं। इन्होंने रन बनाए, असगर अफगान जो असगर स्टैनिग्जाई हुआ करते थे इन्होंने तो दोनों पारियों में रन बनाए। और राशिद करामाती खान ने कहा कि बॉस कप्तान वो होता है जो करके दिखाए, ना कि सिर्फ कह के बताए, तो करके बताया उन्होंने। पहले तो अर्धशतक जड़ा, फिर 5 विकेट, फिर 6 विकेट, 11 विकेट एक मैच में, साथ में जड़ दिया अर्धशतक, वो भी क्विक फायर 50। और वो कहते हैं जीत की जो भूमिका बांधनी थी, जो नींव रखनी थी, वो काम किया है राशिद खान ने। और इस मैच में देखा जाए तो अगर बांग्लादेश के हम दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ा खराब समय से गुजर रहे हैं। शाकिब ने बोला भी था कि देखिए कप्तान मैं बनना चाहता नहीं हूं लेकिन हमारी टीम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही है और यहां से निकल के आना पड़ेगा, वी वोंट बी टेकिंग अफगानिस्तान लाइटली, एंड दे वर राइट। क्योंकि उन्हीं के घर में उनको खदेड़ना इज नॉट अ मीन फीट, पर ये काम करके दिखाया है राशिद खान के धुरंधरों ने। तो अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है ना भाई, आप चर्चा करते हैं कि वो 24 अंक मिले अभी ऑस्ट्रेलिया को, अच्छा मैच जीते, वो हराया मैनचेस्टर में इंग्लैंड को। इंडिया ने तो खैर 120 अंक अर्जित कर लिए, 60 और 60 एंटीगा और जमैका। अब इस मैच में कितने अंक मिले हैं दोनों टीम्स को, क्या कहें अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान को 60 मिलने नहीं 120 मिलने चाहिए थे ना, लेकिन एक भी अंक नहीं मिलेगा, ना ही एक भी अंक जाएगा बांग्लादेश का, क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में है ही नहीं, ये टेस्ट मैच काउंट ही नहीं करता। टेस्ट मैच खेला गया है, श्रृंखला ये नहीं है जैसा हमने कहा एक मैच की क्या श्रृंखला, लेकिन वो टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा ही नहीं है। तो देयर इन लाइज अ ह्यूज प्रॉब्लम कि आप टेस्ट क्रिकेट तो खेल रहे हैं लेकिन एक टीम खेलती है टेस्ट क्रिकेट तो उसका महत्व ज्यादा है और दूसरी टीम खेलती है टेस्ट क्रिकेट तो उसका महत्व वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पॉइंट्स के आधार पर बिल्कुल भी नहीं है। एक टीम को एक मैच जीतने के 60 अंक मिलते हैं, एक को 24 और एक को 0 या कहें अंक ही नहीं है क्योंकि वो तो अंक तालिका में ही नहीं है। तो ये समस्याएं जरूर है लेकिन अफगानिस्तान ने हमें क्या बताया, हमें ये बताया है कि आपको लगातार इनको मौके देने हैं क्योंकि ज्यादातर मुकाबले तो खैर ये घर भी जो इनका देहरादून ये भी तो घर से परे है ना, इनका घर तो अफगानिस्तान काबुल, वहां तो मैच खेलते नहीं है, तो अपना होम भी अवे फ्रॉम होम है, अवे में जाके वैसे ही सारे मैचेस खेलते हैं, वहां पे आप इनको एक एक टेस्ट मैच देते हैं। वहां पे इन्होंने कमाल कर दिया, वो काम कर दिया जिसको 55 मैच लगे थे न्यूजीलैंड को, 60 लगे थे बांग्लादेश को, भारत जैसी टीम भी 30, और ये काम इन्होंने बहुत जल्दी कर दिया। तो थम्स अप फॉर अफगानिस्तान और मैं चाहूंगा कि भारतीय टीम भी इनके साथ खेले और भी टीम इनके साथ ज्यादा मुकाबले खेले क्योंकि अगर इस टीम को तरक्की करनी है और तरक्की ये करेगी टीम तो चाहिए कि थोड़ा सा वर्ल्ड क्रिकेट बॉडी इनको सपोर्ट करे और मौके दे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा मुकाबले खेलने के और टेस्ट मैचेस इनको ज्यादा खिलाओ यार, ये अच्छा करेंगे ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, इनफैक्ट सब्सक्रिप्शन ये घंटी नोटिफिकेशन घंटी यहाँ बजा दीजिए और इस तरफ जरा देख लीजिए कि आकाशवाणी के बाकी भी तो वीडियोस हैं, जस्ट चेक आउट यार, देयर इज अ लॉट हैपनिंग ऑन योर चैनल #आकाशवाणी।